सो वेलकम बैक टू द न्यू गेमप्ले वीडियो गाइस। सो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं इवल नन। अगर आज मैं इसको हार्ड मोड के साथ डोर स्केप में कंप्लीट कर देता हूं सो फाइनली हमारे बाकी का लॉक्स अनलॉक हो जाएंगे और हम बैलून स्केप्स और इसके अंदर एक डॉल वाला भी कुछ सिस्टम होता है वो सारे स्केप्स कंप्लीट कर पाएंगे। सो आओ आज हम बिल्कुल ही सीरियस होके खेलेंगे और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या मैं इसको आज कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं। और यहां से हमारा गेम प्ले शुरू होता है और पता नहीं क्यों ये बार बार यहां पे फालतू का ब्लैक बोर्ड को भरता रहता है। तो चलो यहां से चलते हैं। यहां पे खून गिरा पड़ा है। ओके ये मिस्ट्री, ओके ये तो ओपन है लेकिन अंदर जाने के बाद वहां पे हम गेम को प्ले नहीं कर पा रहे पता नहीं क्यों, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करने में लगा हुआ हूं। सो यहां से मैं नीचे फेंकना, इसको नीचे फेंकने के लिए थोड़ी अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। अच्छा वो आ गई। लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे फिर लफड़ा हो सकता है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, वो अंदर आएगी, मैं यहाँ से निकलता हूँ आराम से। आ रही वो बच गया। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ना अभी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि कितने सारे फ्यूज इसके अंदर लगाने हैं मेरे को, क्योंकि हार्ड मोड है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर मुझे ज़्यादा, ओके एक ही, मेरे को लग ही रहा था कि मेरे को सिर्फ एक ही फ्यूज लगाना पड़ सकता है, बट मैं चेक कर रहा था क्योंकि मैं हार्ड मोड में प्ले किया तो मुझे लगा कि शायद मुझे दोबारा से तीन फ्यूज लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें तीन फ्यूज लगाने ही पड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं किचन में आ चुका हूँ और ये रहा फ्यूज। अरे नहीं, ये फ्यूज मतलब फ्यूज जैसा दिखता है बट है नहीं, और मेरे को बिल्कुल भी नॉइस नहीं करना है। अगर मैंने नॉइस करा सो इवलन, अरे फ्यूज मिल गया, अगर मैं नॉइस जरा से भी कर देना तो इवलन को आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये हार्ड मोड चल रहा है और हार्ड मोड के अंदर उसकी स्पीड मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ उसकी स्पीड, बट जो भी है पहले से तो ज़्यादा ही होगी। और यहाँ पर मैं फ्यूज लगा और लीवर को भी मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नॉइस हो चुकी है तो इवलन वहाँ पर एक बार जरूर चेक करेगी मुझे ऐसा लगता है। तो फटाफट से बटन दबाओ यार यहाँ पे। तो मेरे को डोर स्किप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे को ब्रूम यानी कि झाड़ू फाइंड करना पड़ेगा। मेरे को झाड़ू मिल जाए वो कहाँ हो सकता है इतने सारे रूम्स में से। वेर इज झाड़ू, इसमें होगा क्या? नहीं ये तो अच्छा ये वो था ना, बेसमेंट था। ओके ये ट्रिकी लैंडस्केप करने के लिए है। सो मैंने अभी तक करा नहीं है हार्ड मोड के अंदर, ये सब छोड़ो। अभी मेरे को ये करना है जो मैं कर रहा हूँ, झाड़ू। ओके वो सामने है लेकिन मैं इसको उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ, यहाँ मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, सामने है वो। What? So, मुझे लगता है बैठ के उठाना पड़ सकता है। ओके हाँ बैठ के उठा सकते हैं। ओके तो मैं खड़ा होके वहां से उठा रहा था इसलिए मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब देखो मेरे को झाड़ू को लेके जाना है उस रूम के अंदर जहाँ पे क्या नाम है, एक लेडी की फोटो लगी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो काफी फेमस पिक्चर है उसकी, उसका नाम भूल गया। अगर आपको उसका नाम पता है तो मेरे को नाम कमेंट करके बता सकते हो। उससे मेरा क्या फायदा, जल्दी करना भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, बड़ा धीरे नहीं करता ये काम, जोर से मारना यार, क्या पुलूस ला है उसको। चलो गिर गया लेकिन नॉइस काफी ज्यादा हो चुकी है। वो आ गई भाई, झाड़ू फेंक, झाड़ू, अबे झाड़ू फिर उठा लिया इसने, शिट, और झाड़ू फेंकना था, झाड़ू फेंक के दोबारा उठा लिया इसने। आ रही है, उसके चलने की आवाज है। आगे भाई साहब, उसकी आंखें नहीं है, टॉर्च लाइट है। पूछा किसी ने? अरे भाई साहब ये खुद ही नॉइस कर रही है, आई थिंक इसने अपना पैर ना उस क्रोबार के ऊपर रख दिया और वहां से वो ग्लिच हो रहा है। ओके अब वो चलेगी, अब वो नहीं आएगी मेरे ख्याल से, उसको समझ आ गया कि मेरे पैर से नॉइस हो रहा है और इसलिए वो चलेगी, इसके ऊपर उसने पैर रख दिया होगा। अरे झाड़ू मत उठा ली उस बार दोबारा से। ओके वो कहाँ है, मेरे को जाना पड़ेगा, बॉक्स लेके आना। ओके सामने वो बॉक्स, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ना इतने सारे मतलब कीले ठोक रखी है ना, इसको निकालने में भी काफी टाइम लगेगा। चल भाई, एक बार में नहीं हो सकता, एक बार में यहाँ से भागना पड़ेगा। आवाज़ तो कहीं से आई है, कहाँ से आई है पता नहीं, कहाँ से वो सामने से ना आ जाए, कहाँ है वो, अरे किधर है? अच्छा वो सामने। नहीं, अरे यार इसकी स्पीड भी ज्यादा, मैं क्या करूं, मैं पकड़ा ना जाऊं भाई साहब, मेरे को थोड़ा दिमाग लगा लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं ठिल गया ना मैं अच्छे से दिमाग लगा खेलूंगा, एक बार बच जाऊं बस मैं। कहां है, किधर है? अरे भाई साहब मेरे पीछे पड़ चुकी है, नहा धो के ये यार, मेरे को पूरा घूमना पड़ेगा इसको ना, थोड़ा सा मतलब उलझाना पड़ेगा वरना ये ना मेरी ऐसी तैसी कर देगी। और एक बार अगर हमारे हाथ से गेम निकल गया ना तो समझो, अरे मेरे पीछे पड़ी है, तो एक बार अगर निकल गया ना हमारे हाथ से गेम तो समझो यार खत्म कहानी।
क्योंकि एक बार जब बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर एक बार बिगड़ गया ना, बार बार पूरा खेल बिगड़ जाता है। सो चलो मैं इधर आ चुका हूँ और बाकी के जो इसके अंदर कीलें लगी पड़ी हैं मैं इसको भी निकाल देता हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं बॉक्स को लेके भाग जाऊंगा यहाँ से। निकाल निकाल निकाल, अरे भाई आ गई, अरे भाई साहब, भाई कब आई पता ही नहीं चला। Behave better or the Lord will punish you again, child. So, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी काफी डे बाकी है और मेरा पहला दिन ही बर्बाद हुआ है। और लेकिन वैसे पहले दिन के अंदर मैंने काफी काम कर लिया था, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बुक से ना काफी नॉइस करता हूँ, बिकॉज वो इवल नन अभी उधर ही होगी। अच्छा देखो आ रही है, वो आ रही है, वो एक बार जब इधर आ जाएगी ना तब फायदा है उधर जाने का, वरना उधर जाओगे वो पकड़ के दोबारा से यहाँ पे बंद कर देगी, क्या ही फायदा। सो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलता हूँ मैं फटाफट से, वो इवल नन आ चुकी है मेरे भाई, अब यहाँ से निकलता हूँ मैं फटाफट से, मैं सीढ़ियाँ पे चढ़ के दोबारा से वापस भाग के जाता हूँ, और वहाँ से मेरे को बॉक्स उठाना है। लेकिन उससे मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अगर मैं सीधा वहाँ पे जाता हूँ तो इवल नन अगर मेरे पीछे आए तो हो सकता है हमारा गेम बिगड़ जाए। अरे बात कर रहा भाई, और यहाँ पे देख लेता हूँ, ओके यहाँ पे क्रोबार मेरा, ओके ये रहा बॉक्स, और इसके अंदर हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या, इसके अंदर होगा भाई चाबी होगी मेन डोर की, लेकिन ये ऐसे नहीं खुल सकता कि हमने इसको ई प्रेस करके खोल दिया। इसको खोलने के लिए हमें एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे मतलब नीचे फेंकने से ये बिल्कुल ही बॉक्स खुल जाए, है ना, और हमें चाबी भी मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो भाई कुछ नहीं होने वाला, बॉक्स सिर्फ साउंड करेगा बट ये ओपन नहीं होगा। और इस सीढ़ी से मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद मेरे को और ऊपर जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, इवल नन भी जो है ऊपर आती है, यानी कि अगर वो ऊपर आ गई ना तो भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी जल्दबाजी में गिर भी जाते हैं। सो मैं जब इसको फर्स्ट टाइम खेला था तो मेरे साथ ये घपला हुआ था, लेकिन मैं अभी पूरा ध्यान रखने वाला हूँ कि वो मेरे पीछे तो नहीं है, क्योंकि कई बार वो बिल्कुल ही नॉइस भी नहीं करती, मतलब जो आने का वो साउंड नहीं देती, वो सीधा आके हथौड़ा सर पे दे मारती है। सो चलो मैं फाइनली यहाँ पे फेंक चुका हूँ इसको, ओके तो हमारे बॉक्स ओपन हो चुका है और मुझे जाना है। ओहो, ये क्या सरप्राइज दे रही है हमें, तो मुझे जाना पड़ेगा उस बॉक्स के पास जहाँ पे मैंने बॉक्स फेंका है, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा बेसमेंट में, लेकिन मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इवल नन के हाथ से पकड़ा ना जाऊँ, और उसका जो हथौड़ा आपको पता है कितना भारी है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है इवल नन में जितना पूरा वेट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो भाई उसके हथौड़े में वेट होगा। सही पकड़े हैं, यहां से एक बार मैं गिर गया था, पता नहीं कैसे गिरा था, लेकिन इसलिए बिल्कुल ध्यान दूंगा इस बार, ऐसा नहीं करूंगा। और मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं अगर अभी अंदर जाता हूं तो वहां पे तो नॉइस हुई होगी जहां पे चाबी गिरी है, बॉक्स गिरा है, सो वहाँ पे इवल नन जा सकती है, तो वहाँ पे जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। सो मैं ग्रैनी वाला फंडा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कि इधर उसको नॉइस करके बुला लेते हैं और उसके बाद हम खुद उधर भाग जाते हैं। सो ये मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि सही रहेगा। अरे ये क्या, इसने तो बंद ही कर लिया, मैं सोचा था इसको देख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये फूल, बट ये किसी काम का नहीं है, खैर कोई बात नहीं। और हमें यहाँ से जाना है इधर, और मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि देखो अब मेरे को ना बस नॉइस करना है, और मैं नॉइस करने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ। ओके ये मिल गई चाबी, यानी कि ये येलो की है, अगर हम वैनस्केप करते तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे ना ये चाबी फेंक के ना नॉइस करूँगा आराम से। भाई ये चाबी कहाँ घुस रही थी। सो मैं इधर जाके भी थोड़ा नॉइस कर देता हूँ यार, ऐसे बात नहीं बनेगी, और इस साइड नॉइस करेंगे वो शॉर्टकट डोर से। अरे भाई वो आ रही है, उसके चलने की आवाज़ तो कहीं से आ रही है, बट वो कहाँ से आ रही है ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। ओके वो गई है मेरे राइट साइड में गई है, यानी कि उधर गई है लॉन्ड्री साइड, जहाँ पे वो लॉन्ड्री वाली आंटी अपनी वैन लेके आती है उधर चली गई है। सो हमारा इधर का रास्ता बिल्कुल ही क्लियर एंड क्लीन हो चुका है, तो इसलिए मुझे अब अपना ख्याल रखना पड़ेगा अगर वो गलती से भी आ गई ना। ओके दरवाज़ा उसने खोला नहीं, फिर वो आई किधर से, जब वो इधर से नहीं आई तो आई थिंक उसका कोई शॉर्टकट दरवाज़ा होगा जो कि सिर्फ वही यूज़ कर सकती है, शायद वो उधर से आई हो, लेकिन हमें क्या है, हमारा रास्ता अभी क्लियर हो चुका है। सो फाइनली मेरे को बेसमेंट ढूंढना है, बेसमेंट कहाँ है, ओके तो ये रहा बेसमेंट, और यहाँ से मेरे को जाना है आराम से ओके नीचे, और इधर ही मेरे को वो चाबी मिलने वाली है, वो बॉक्स मिलने वाला है बेसमेंट के अंदर। और यहाँ पे जो ये लाइट ब्लिंक हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हॉरर फील देता है यहाँ पे यार लाइट ब्लिंक होना। ये मिल गया अपने को चाबी, और इस चाबी को यूज़ करेंगे हम मेन डोर को ओपन करने के लिए। करो फिर। ओके मिल चुका है मेरे को ये एग्जिट डोर मिल चुका है, और यहाँ पे मैं चाबी यूज करता हूँ और इवलन को एक बार देख लेता हूँ घूम के। ओके यहाँ पे इवलन तो नहीं है, तो चलो आजा अलार्म बजा, वो आई नहीं, आ क्यों नहीं रही वो, नहीं वो आती नहीं है, यानी कि हम जब दूर चले जाएंगे ना थोड़ा सा, नहीं आ रही है वो, मुझे लगा कि भाग कर आएगी वो, मतलब हम दूर चले जाते हैं तब वो आती है।
सो फाइनली अब हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको हार्ड मोड के अंदर, और इसके बाद हम बैलून स्केप और इसी के साथ जो बाकी के स्केप्स बचे हुए हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे। सो इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो।